WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मैच है WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मैच होगा स्टार्ट और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर स्टार्टिंग में यहाँ पे पलाते हुए और एक एल्बो देते हुए रोमन रिंग जर्मन सुप्लेक्स ली जा रहे थे और एक और बार और एक और राइट हैंड और ये गोइंग टू जर्मन सुप्लेक्स और यहाँ पर रिवर्सल करते हुए ब्रॉक रोमन रिंग और एक अपरकट रोमन रेंज में अपनी जर्मन सुप्लेक्स खाने नहीं ये ऐसा मैच है जो हमारे चैनल पर 9 बार बन चुका है और 10 टाइम बनने आ रहा है और यहाँ पर रोमन इधर दोबारा और एक स्ट्राइक मारते हुए एक एल्बो स्ट्राइक और काफी ज्यादा सर डैमेज कर रहा है आ सकता है जर्मन सुप्लेक्स और एक नॉकआउट हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज में ओ नाक से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई है तो ब्रॉक लेसनर की अब जा सकता है जर्मन सुप्लेक्स इतनी तेजी से ब्रॉक लेसनर ने अब आ सकता है सुप्लेक्स सिटी ब्रॉक लेसनर की तरफ से रोमन रेंज को जर्मन सुप्लेक्स दिया और रोमन रेंज को मारे जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर और बाहर फेंक दिया ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को और ब्रॉक लेसनर बाहर जाने की काफी ज्यादा हाइप है इस मैच की कौन जीतेगा या ब्रॉक या रोमन किसको कर या तो रोमन रेंज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा ब्रॉक लेसनर के लिए क्या ब्रॉक लेसनर को करना पड़ेगा ओ यहाँ पे F5 देना चाह रहे थे और यहाँ पे एक बैरिकेड पे मार दिया है रोमन कॉर्नर पे रिंग कॉर्नर पे मार के ब्रॉक लेसनर को कसा फाड़ दिया है यहाँ पर खून से लथपथ हुए हैं ब्रॉक लेसनर खून निकल चुका है ब्रॉक लेसनर इज डाउन और रोमन रेंज उठा सकते हैं रोमन रेंज रोल अप पावर बॉम्ब 1 2 और एक kick out ब्रॉक लेसनर अभी इतनी आसानी से नहीं हारेंगे कॉर्नर में जा रहे हैं रॉक एंड रोल इट रोमन रेंज ने कर लिया है सुपरमैन पंच की तैयारी क्या आएगा और ब्रॉक लेसनर अभी तक डाउन है यार सुपरमैन रोमन रेंज काफी ज्यादा सुपरमैन पंच के लिए रोमन रेंज पीछे पावरफुल मूवमेंट में अब आ रहे हैं रोमन रेंज के आ सकता है एक सुपरमैन पंच ब्रॉक लेसनर यहां पे गिर चुके हैं ब्रॉक लेसनर इस ब्रॉक लेसनर को गिरा दिया है रोमन रेंज ने नीचे अब एक और सुपरमैन पंच की तैयारी एक और सुपरमैन पंच कवर करने की कोशिश खेल खत्म टू और ये ब्रॉक लेसनर ने बड़ी आसानी से किक आउट कर दिया ब्रॉक लेसनर सुपरमैन पंच में नहीं आ रहेंगे हराने के लिए स्पीयर की जरूरत पड़ेगी क्या रोमन रेंज को और यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत हुई है ब्रॉक लेसनर की और एक यहाँ पर फिर से रोमन रेंज ने दो सुपरमैन पंच लगा दिए हैं टू सुपरमैन पंच रोमन रेंज ऑन फेस ब्रॉक लेसनर और ये स्पीयर के लिए जा रहे हैं रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को अगर ये स्पीयर आ गया तो खेल खत्म ब्रॉक लेसनर का डे वन पेपर स्पीयर बड़ी ही आसानी से हमने सोचा नहीं था डी एंड होने वाला इस मैच क्या ओ लेकिन यहां पर रोमन रेंज शायद जानते हैं कि उन्होंने 3 स्पीयर में उड़ गए थे और किमुरा लॉक ला लिया था और एक अनदर स्पीयर कवर कवर करने की कोशिश करेंगे शायद रोमन रेंज और कवर के लिए जा रहे हैं रोमन रेंज अब यहां पर विनर 1 2 और एक किक आउट और ये क्या ब्रॉक लेसनर ओ ब्रॉक लेसनर ने किमुरा लॉक लगाने का लगाना चाह रहे हैं ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को और कनेक्ट हो गया है किमुरा लॉक और रोमन रेंज काफी ज्यादा छटपटाते हुए किमुरा लॉक से दर्द काफी ज्यादा बुरा है और रोमन रेंज क्या हो सकते हैं न्यू चैंपियन नहीं पर यहाँ पर रोमन रेंज पावर दिखाते हुए रोमन रेंज अपनी ताकत दिखाते हुए रोमन रेंज के लिए हार नहीं मानना रोमन रेंज मैन ओ अनदर ब्रॉक लेसनर बड़ी जिद्दी किस्म के इंसान है रोमन रेंज को पता है कि ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा जिद्दी है और अगेन स्पाइन बस्टर रोमन रेंज काफी ज्यादा हाथ का दर्द हो गया है डोमिनेट कर दिया है ट्रिपल एच का ब्रॉक लेसनर ने हाथ तोड़ ही दिया था किमुरा लॉक में पर रोमन रेंज है यहाँ पर ट्रिपल एच नहीं और रॉक एंड रोल रोमन रेंज देना चाहते हैं सुपरमैन पंच और सुपरमैन पंच द थर्ड सुपरमैन पंच ब्रॉक लेसनर इज डाउन ब्रॉक लेसनर डाउन रोमन रेंज सुपरमैन पंच द 4 अनदर सुपर छोटे सुपरमैन पंच के लिए जा रहे हैं रोमन रेंज का ये कनेक्ट होगा अगर ये कनेक्ट तो हार गए ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज सुपरमैन पंच नहीं कैच
ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा जिद्दी किस्म के इंसान है, एक स्पेयर पड़ने के बावजूद भी गिलोटिन लॉक लगा दिया है ब्रॉक लेसनर। टू स्पेयर फोर सुपरमैन पंच और दर्द में टू नहीं सॉरी थ्री स्पेयर लगा दिया रोमन रेंस ने लगा दिया और उसके बावजूद भी ब्रॉक लेसनर को कुछ नहीं हुआ है। और कॉर्नर में जाती है ब्रॉक लेसनर, अब आ सकता है सुप्लेक्स की। ब्रॉक लेसनर अब यहाँ पर भारी पड़ चुके हैं, ब्रॉक लेसनर ने नियंत्रण ले लिया है। नहीं ये सुप्लेक्स नहीं देना चाहते हैं, अब इनकी तैयारी सीधे एंड मूवमेंट से है। एफआर दे रही है, एफआर लेकिन नो वो रोमन रेंस नाइस रिवर्सल, नाइस रिवर्सल करते हुए गिलोटिन लॉक लगा दिया है। अब रोमन रेंस कह रहे हैं गिलोटिन चोक लगा में डाल दिया है ब्रॉक लेसनर को, क्या टैप आउट करेंगे ब्रॉक लेसनर टैप आउट। रोमन रेंस तो बच गए उनके गिलोटिन से, लेकिन ब्रॉक लेसनर क्या बच पाएंगे। ब्रॉक लेसनर पावरिंग द शोल्डर पे ले लिया है, ब्रॉक लेसनर आ सकता है F5 दे दिया पर लेकिन कवर करने की हालत में नहीं है ब्रॉक लेसनर, और रोमन रेंस पूरे के पूरे डाउन हो गए हैं दोनों ओपोनेंट। क्या बन सकते हैं ब्रॉक लेसनर न्यू यूनिवर्स चैंपियन। कवर के लिए जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर, अब तो शायद खेल खत्म हो सकता है। क्या हो सकता है न्यू चैंपियन, 1 2 आखिरी वक्त पर किक आउट किया रोमन रेंस। मेरे ख्याल से अगर ब्रॉक लेसनर पहले ही कवर कर लेते तो न्यू चैंपियन बन चुके होते, ये किकआउट नहीं हुआ होता, पर पता नहीं है। रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट किकआउटर हैं, काफ़ी ज़्यादा किकआउट पर किकआउट करते हैं रोमन रेंस, लेकिन इस बार ज़्यादा देरी कर दी ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर अगले मूव के लिए जा रहे हैं। काफ़ी घातक तरीके से फेंक दिया रोमन रेंस को। अब यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है सुप्लेक्सिटी की, ब्रॉक लेसनर फिर से नियंत्रण ले पाएंगे। काफी ज्यादा डेंजरस जर्मन सुप्लेक्सेस ब्रॉक लेसनर की तरफ से, रोमन रेंस को कर दिया है यहाँ पर, रोमन रेंस को डाउन ब्लैक दे दिया और एक और जर्मन सुप्लेक्स काफी ज्यादा बुरी यहाँ पर लग गई है रोमन रेंस के। रोमन रेंस काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया, फोर टाइम सुप्लेक्स, काफी ज्यादा घातक तरीके से ब्रॉक लेसनर जर्मन सुप्लेक्स दे रहे हैं रोमन रेंस को। यहाँ पर वो पेंटर देख रहे हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को पेंट करते करते, उनका भी मनोरंजन हो रहा है। और ब्रॉक लेसनर जा रहे हैं F5 के लिए, क्या आ सकता है दोबारा से स्पेयर, ओह नो सुपरमैन पंच है ये, अब कवर नहीं किया रोमन रेंस, इनको स्पीयर में ही हराना चाहते हैं। ऐलान स्पीयर का रोमन रेंस से, अब आ गया क्या स्पीयर, अब अगर स्पीयर आया तो वो ब्रॉक लेसनर जंप कर गए, शोल्डर डाउन शोल्डर आ सकता है F5, ब्रॉक लेसनर ने कंधे पे उठा लिया F5 की तरह, F5 नो सुपरमैन पंच, स्पीयर के लिए जा रहे हैं रोमन रेंस, लेकिन ओ ब्रॉक लेसनर दोबारा से एकदम शॉक्ड, इतनी मुश्किल से दिया एक आधे सेकंड का वक्त था, अगर वो भी पूरा हो जाता न्यू चैंपियन देख सकते थे, पर अभी के लिए तो रोमन रेंस है चैंपियन ने किकआउट करके दिखा दिया ब्रॉक लेसनर को, और बैठ गए रोमन रेंस के ऊपर, क्या देख सकते हैं आपको आंख देना चाह रहे हैं और उनके ब्लड निकालना चाह रहे हैं। ब्रॉक लेसनर काफी बुरी तरीके से एल्बो से एल्बो रख रहे हैं, सर भर फोड़ना चाहते हैं, क्या क्या इरादा है ब्रॉक लेसनर, ये क्या कर दिया ब्रॉक लेसनर, निकाल ही दिया है दूसरे एंगल से देखा तो, दूसरे एंगल से देखा तो रोमन रेंस का सर फट चुका था, लग तक ब्रॉक लेसनर ने ब्लड निकाल दिया था, थोड़ा स्टॉप हो गए थे और बात करते ब्रॉक लेसनर जाते हुए, ब्रॉक लेसनर फ्यूचरमैन सुप्लेक्स नहीं है और ये है एक सुप्लेक्स, एक स्मैशर, काफी ज्यादा डेंजरस सुप्लेक्स, हर एक मूव डेंजरस तरीके से दे रहे हैं ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को आज के इस मैच में।
काफी ज्यादा बुरी जर्मन सुप्लेक्स थी है। ब्रॉक लेसनर के मुंह पर भी चोट आई है जर्मन सुप्लेक्स में। एक जर्मन सुप्लेक्स में ब्रॉक लेसनर और एक और जर्मन सुप्लेक्स, सिक्स जर्मन सुप्लेक्स, सिक्स नहीं यहाँ पर सेवन जर्मन सुप्लेक्स दे चुके हैं ब्रॉक लेसनर। पता नहीं कितनी जर्मन सुप्लेक्स दे दी होंगी ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को। रोमन रेंज का उठना मुश्किल हो रहा है और शायद काउंट हमारा गलत भी हो सकता है, पर आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या कितनी जर्मन सुप्लेक्स दी और कितनी एफ आई या कितनी सुपरमैन पंच या एफ आई सेकंड एफ आई नहीं है ये। और एक खबर वन न्यू चैंपियन केक आउट, यहाँ पर नए चैंपियन नहीं देखने को मिलेंगे ब्रॉक लेसनर अभी भी। मैंने कहा था इतनी आसानी से रोमन रिंग्स के पास यूनिवर्सल चैंपियन, मैंने कहा था इतनी आसानी से रोमन रिंग्स नहीं आ रही है इस मैच को। अगर ब्रॉक लेसनर को कुछ नया ट्राई करना चाहिए, हर बार की तरह एफ आई में खेल ख़त्म नहीं हो सकता है। ब्रॉक लेसनर अभी भी थकने का नाम नहीं ले रहे हैं और फिर से शोल्डर पे उठा लिया द फोर्थ टाइम द फोर्थ एफ आई नहीं यहाँ पे रोमन एक डीडीटी कवर रिवर्सल वन काफी मैसिव वन टू और एक केक आउट ब्रॉक लेसनर की तरफ से। ये मैच काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, जो भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो उसके विपरीत हो रहा है। अगर हम सोच रहे हैं एफ आई आएगा तो वो नहीं हो रहा है, अगर सोच रहे हैं तो स्पेयर आएगा तो वो अब हो सकता है। रोमन रिंग्स ने कर दिया है स्पेयर का ऐलान, स्पेयर ओह नो स्पेयर आने वाला था लेकिन ब्रॉक लेसनर का रिंग आ गया और रोमन रिंग्स को दिया एक भारी तरीके से क्लोज लाइन, आधी कर दी तरीके से क्लोज लाइन दे दिया है लेसनर का। यहाँ पे वोट भी पड़ चुका है, सर भी पड़ चुका है और ब्रॉक लेसनर द गोरिल्ला प्रेस काफी ज्यादा आसानी से उठा लिया मैसिव तरीके से नीचे गिर चुके हैं। क्या देंगे रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स रोमन रिंग्स ने मौके का फायदा उठा के वो मूव दिए जो जो उनको देना चाहिए था और यहाँ पर रोमन रिंग्स बाहर चले गए हैं और रोमन रिंग्स क्या भारी स्पेयर यहाँ पर देना चाहेंगे ब्रॉक लेसनर को। करी चीज के लिए आगे जा रहे हैं, ओह नो ब्रॉक लेसनर शोल्डर ब्रॉक लेसनर द फोर एफ फाइव ब्रॉक लेसनर बाहर से ही उठाकर एफ फाइव दे दिया है रोमन रिंग्स को, फिर फाइव एफ फाइव दे दिया है और नहीं और यूनिवर्सल टाइटल दे दी है। इतने एफ आई दे दिए हैं पर ब्रॉक लेसनर के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, शायद ये डिस्क्वालीफाई करा देंगे मैच को क्योंकि ये सिर्फ वन ऑन वन मैच है ना कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और बैट यहाँ पे फेस पर मारना चाह रहे हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं रोमन रोमन रिंग्स रिटेन टाइटल रोमन रेंज को हम भी एक्नॉलेज करते हैं और आपको भी करना पड़ेगा।